Assalamu alaikum everyone, I'm Zubair Salim and we are going to discuss क्या बोनस इशू. यस, बोनस इशू और बोनस इशू एंड कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर. ओके सर, ठीक है सर. अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, और सर क्या सीखा है हमने? और हमने सीखा है कि अगर शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर इशू और मार्केट वैल्यू पे हों तो हम उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे. फेयर इनफ. अब हमने सीखना है कि अगर हम शेयर इशू ऑफ शेयर्स कर दें फॉर नो कंसिडरेशन. नो कंसिडरेशन मतलब पैसा पुसा लिया नहीं और बोनस इशू कर दिया. अब प्रॉब्लम क्या आता है जरा और करें. सपोज करते हैं विदाउट बोनस इशू सिचुएशन एक बनाते हैं और एक विद बोनस इशू बनाते हैं, तो होगा क्या जरा देखते हैं. जरा विदाउट बोनस इशू सर, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. विदाउट बोनस इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है जी बोनस इशू, और अगर विद बोनस इशू हो तो वही सिचुएशन पे जब बोनस इशू लेके आएंगे तो जरा देखिएगा कि बोनस इशू करता क्या है. तो अभी आप इस एग्जांपल से ही अंडरस्टैंड करेंगे कि बोनस इशू ने करना क्या आपके साथ. जी, आपके साथ करेगा क्या बोनस इशू सर, समझाएं. सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका एक क्वेश्चन में आ रहा है जी. एक कंपनी है, उसने पहला साल में 200 का प्रॉफिट कमा लिया. सर, जब हमने पता किया कि उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं तो पता चला उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो है वो भी 200. फेयर इनफ. ये ईयर वन है, दिस इज ईयर वन ऑफ द कंपनी. तो ये ईयर वन है मेरे बच्चों, आपके पास कंपनी का ईयर वन नहीं है. ओके, बिल्कुल ठीक है. अब यार ईयर टू आ गया. ईयर टू में कंपनी ने कोई बोनस इशू नहीं किया, कोई फर्दर शेयर्स नहीं इशू किए. तो सर कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी के पास ना 200 शेयर्स के पैसे पड़े हुए हैं, उन पैसे को सर्कुलेट कर रहे हैं और प्रॉफिट्स बना रहे हैं. तो सर कंपनी ने क्या किया, अभी भी कंपनी के पास कितने ही शेयर्स हैं? 200. इसका मतलब है पैसे अभी भी, पैसा अभी भी 200 शेयर्स का ही है, पैसा अभी भी 200 शेयर्स का ही है. अब मुझे बताएं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया. तो कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा लिया 400, 400 रुपीज प्रॉफिट कमा लिया. अब मुझे एक बात बताएं कि सेम पैसे के साथ, सेम पैसा, देखो ना पैसा तो कंपनी के पास, ऑनर्स का पैसे की बात हो रही है, कंपनी के पास ऑनर्स का पैसा तो उतना ही था. कितना था सर? सर कितना था, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर कितना था? 200 शेयर्स टोटल थे, 200 टोटल थे. पैट कितना था? 200. तो मुझे अब ईपीएस चाहिए, तो मैं ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो अर्निंग पर शेयर को कैसे कैलकुलेट करूंगा सर? तो बहुत आसान सी बात थी सर, अर्निंग पर शेयर. सर ईपीएस 200 डिवाइडेड बाय 200, तो 1 रुपए की ईपीएस आ रही थी. 400 डिवाइडेड बाय 200, 2 रुपए की ईपीएस आ गई. ये ले. सो सर देखो ईपीएस क्या दिखा रही है कि कंपनी ने डबल कर ली अर्निंग पर शेयर, और वही हुआ है. एक्चुअल में हुआ भी यही है कि कंपनी ने सेम पैसे के साथ पिछले साल 200 कमाया था, तो इस साल कितना कमाया? 400. तो कंपनी ने सेम पैसे के साथ ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, तो अच्छा है, डबल कर लिया है, और ईपीएस भी एग्जैक्ट डबल दिखा रही है. अब सेम सिचुएशन में बोनस इशू लेके आते हैं और बोनस इशू ने आपकी ईपीएस की धज्जियां उड़ा देनी. क्या मतलब है धज्जियां उड़ा देनी? अब जरा समझते हैं सर. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? सेम सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स भी सेम है. सिर्फ हुआ ये कि कंपनी ने ईयर टू में बोनस इशू कर दिया. अब बोनस इशू में पैसा पूसा तो आया कोई नहीं, खुद सोचे जरा. सर मुफ्त में इशू किया आपने, बोनस इशू इज अ मुफ्ते वाला शेयर, हम इसे बोलेंगे मुफ्ते वाला शेयर. सर मुफ्ता, मुफ्ता, मुफ्ते का मतलब क्या है? इट्स नॉट मिफ्ता, इट्स मुफ्ता. ओके, सो मुफ्ता में आपने मुफ्ते में शेयर्स दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने शेयर्स दे दिए भाई. तो जब आपने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दिए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए. सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करवाए हम? सर हम करवा लेते हैं 400 शेयर्स और इशू करा लेते हैं. 400 काफी है. अच्छा बोनस इशू 600 कराते हैं, जरा धजियां तो सही उड़वाए ना. सर बोनस इशू 600 शेयर्स आपने फर्दर इशू किए, पैसा पूसा कुछ नहीं आया. सर अब अगर आप और करें, जब मैंने ये विदाउट किया था कैलकुलेट, तो मुझे बताएं कि पैसा तो कंपनी के पास उतना ही था, इस बोनस इशू की वजह से पैसा तो आया नहीं, पैसा तो कंपनी के पास उतना था. तो अब मुझे बताएं कि ईपीएस क्या होगी इफ बोनस इशू इन ईयर टू, इफ बोनस इशू इन ईयर टू तो क्या होगा? ले जी बोनस इशू इन ईयर टू, अब कितना बोनस इशू है? 600 शेयर्स.
ये आपने इशू कर दिया, ये लें सर। सर अब ये तो हालात बड़े खराब हो गए होंगे। कैसे हालात खराब हुए होंगे जरा देखते हैं। सर पिछले साल की ईपीएस मैं कैलकुलेट करता हूँ दोबारा, वही है 200 डिवाइडेड बाय 200, 200 पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस क्या आ गई 1। ये ईपीएस है सर। ओके ईयर 2 की कैलकुलेट करें सर, ईयर 2 की सर पैट ऊपर लें, कितना पैट है 400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स लें 400 200, लेकिन सर शेयर इशू भी तो हो गए हैं, बोनस इशू भी तो आ गए हैं 600, तो सर कितने हो गए सर? तो ये हो गए 200, पैट जो है अभी तक हमारा 400 है, 400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सर 200 शेयर्स पहले थे, 600 आपने और बोनस में दे दिए, तो ये तो 800 हो गए। अब मुझे बताएं किसी भी एक फॉर्मूला में जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, जब आप वो बढ़ा दोगे तो क्या होगा? आपका जो फॉर्मूले का आंसर है वो कम हो जाएगा। तो सर हुआ भी यही, जरा कैलकुलेट करके देखें क्या है सर, आपकी ईपीएस आ गई है 0.5। अब जरा गौर करना बात पे, जब मैं गौर करूंगा और मैं कहूंगा यार पिछले साल 1 रुपए की ईपीएस थी, मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, शेयर होल्डर्स बहुत मानते हैं इसे, शेयर होल्डर्स मतलब मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा लगाते हैं ना, जो शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, शेयर की प्राइस जिनके खरीदने से बढ़ती है जिनके बेचने से कम होती है, वो बहुत मानते हैं अर्निंग पर शेयर को। सर अगर वो बहुत मानते हैं अर्निंग पर शेयर को तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर वो बहुत मानते हैं, अगर वो बहुत मानते हैं तो इसका मतलब क्या है सर? तो इसका बड़ा आसान सा मतलब है, अगर वो बहुत मानते हैं तो इसका मतलब है वो देखेंगे पिछले साल कंपनी ने 1 रुपया कमाया था, इस साल वो कहेंगे कंपनी ने 0.5 कमाया एक शेयर के बदले, वो कहेंगे लुट गए बर्बाद हो गए। क्या कहेंगे? लुट गए बर्बाद हो गए, और बर्बादी वाले जितने सॉन्ग्स हैं ना वो सारे सुन डालेंगे। सोचो कौन से बर्बादी वाले सॉन्ग्स आया किसी के माइंड में? ओके फाइन, सो लुट गए बर्बाद हो गए, अजीब अजीब से शेयर पढ़ रहे होंगे सारे शेयर होल्डर्स, क्या पढ़ रहे होंगे? कह रहे होंगे बाल लुट के बर्बाद हो गए, भाई यही कह रहे होंगे और क्या कहना है उन्होंने। तो इस तरह की कई बातें वो कर रहे होंगे कि वो लुट के बर्बाद हो गए, हालांकि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। अब इंडिकेशन हमने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसको बढ़ता हुआ देख के लोग कहेंगे कि कंपनी की मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, और एक्चुअली में तो कंपनी ने अच्छा काम किया है, डबल कमा के दिए हैं सेम पैसों के साथ, लेकिन ईपीएस कह रही है आधी रहेगी, आधे कमा रहे हैं आप, तो सर ईपीएस की धजियां उड़ाई हैं। एक्चुअली धजियां किसने उड़ाई हैं? इसने, ये जो बोनस इशू वाले भाई हैं। सर पैसे तो आए नहीं, इसका मतलब है कि जब जब क्वेश्चन में बोनस इशू होगा, जब जब या कोई भी कंपनी जब बोनस इशू करेगी तो उससे क्या होगा? इसका मतलब यह है कि आपकी ईपीएस सही रिजल्ट नहीं देगी, आपकी ईपीएस फेल है, जो एक्चुअली हो रहा है कि डबल कमा रही है वो नहीं होना भाई, वो नजर नहीं आना भाई, हेलो नजर नहीं आना। अच्छा नजर नहीं आना तो क्या करें सर, क्या करें फिर? ईपीएस तो खराब हो गई, हम तो अकाउंटेंट्स हैं, हमने तो एक्चुअली वही दिखाना होता है जो हो रहा है, हो रहा है वही दिखाना है, इज कॉल्ड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सच बोलना है, जो एग्जैक्टली हो रहा है वही दिखाना है। ये तो अपेरेंटली लग रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, कंपनी ने तो डबल कमाया है, सो इट शुड बी डबल, ये डबल नजर आनी चाहिए आपको, इस एग्जाम्पल में डबल दिखा करनी है। सर कैसे करें सर, सर कैसे करें सर, बस हो गई है, समझा भी दें हम तो, बड़ा आसान सा हल है, इस बोनस इशू ने आके धजियां उड़ाई हैं। यार ये बोनस इशू तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा तो आया नहीं, तो आप अज्यूम करेंगे, आई एम टेलिंग क्या कह रहा हूं, अज्यूम करेंगे, और भाई आप अज्यूम कर लो सर, क्या अज्यूम करें सर बताएं, सर क्या अज्यूम करें? सर आप अज्यूम कर लो, आप अज्यूम कर लो के क्या अज्यूम करेंगे कि ये बोनस इशू आपसे नहीं है, ये शुरू से है, यानी ये पिछले साल भी था। अगर आप ये ज्यूम कर लेंगे तो आपको पता है ना बोनस इशू ने इस साल की ईपीएस को तंग किया आके, आप उसी बोनस इशू को करेंगे, बोनस इशू ये जरा पिछले साल जाना यार, जरा जाना, जरा इस पिछले को भी तो तंग करना, तो जैसे ही वो पिछले साल जाएगी तो पिछले साल की ईपीएस भी तंग हो जाएगी। अब इसको हम कहते हैं कि जब एक चीज इधर एडजस्ट हुई है तो पिछले साल भी एडजस्ट करो ताकि लाइक विद लाइक हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि ये लाइक विद लाइक हो जाएगी। सर आपने इशू एट मार्केट वैल्यू में तो ये नहीं किया था, आप यहां पे कह रहे हैं कि आप लाइक विद लाइक करें, तो इशू एट मार्केट वैल्यू में भी तो पिछले साल में जाते हैं ना सर, वहां पे तो इशू एट मार्केट वैल्यू जब आपने किए हैं तो पैसा भी तो आया ना, पैसे से अर्निंग्स बढ़ी, ऊपर वाला पैट बढ़ा और नीचे से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, तो ईपीएस
ठीक रह रही है, खराब हो रही है तो मैनेजमेंट का मसला है। यहां पे तो खाली पैसे के बगैर ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए आपने, तो आपके फार्मूले को नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है विदाउट एनी रिसोर्सेज। इसका मतलब ये पिछले साल भी ज्यूम होगा, तो ये जो अजम्पशन लेनी है पिछले साल भी है, ये मुफ्ते वाले चीजों के लिए लेनी है। सर मुफ्ते वाले के लिए क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि आगे चल के भी गुना को पंगा आएगा ना मुफ्तों वाला, समझा करो। ओके सर समझ जाते हैं, सर एडजस्ट करके दिखाएं बस होगी अब। ओके सर ये जरा देखें किस तरह एडजस्ट करता हूं मैं। आई एम अज्यूमिंग के भाईजान पिछले साल भी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो पैट था मेरा वो कितना था, पैट था 200, तो मैंने पैट ले लिया, जरा और कीजिएगा, मैंने पैट ले लिया 200। ये देखें जरा ये 200, ये लें ये 200, नंबर ऑफ शेयर्स ले लें 200, और अज्यूम कर लिया है कि बोनस इशू इधर भी था, तो ये 600 टोटल 800 से डिवाइड कर दिया। अब आप चेक करें जरा यहां पे ईपीएस क्या आ रही है, तो यहां पे ईपीएस आ रही है एग्जैक्टली 0.25। इसका मतलब है पिछले साल आप 0.25 25 पैसा कमा रहे थे एक शेयर के बदले, आज आप कमा रहे हैं ये 0.5, तो डबल हो गया या नहीं हो गया? सर दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एडजस्ट बोनस इशू। कैसे सर? बोनस इशू के बारे में अजम्पशन लेनी है कि इस साल नहीं पिछले साल भी था, पिछले साल भी था, पिछले साल भी था। इसका मतलब अगर मिड ऑफ द ईयर कोई बोनस इशू आएगा ना, तो आप अज्यूम करेंगे ये शुरू में से, इस साल के शुरू से है, वो कहेगा पिछले साल भी था, आप कहेंगे पिछले साल भी था, वो कहेंगे अच्छा अगर हम दो साल की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं पिछले दो साल, तो हम कहेंगे पिछले दो सालों में था। अगर वो कहेंगे बताओ एक्चुअली कब से था, तो हम कहेंगे हमारी अजम्पशन ये है कि बोनस इशू बिजनेस के बिजनेस जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन से, तो अर्ली स्टार्ट ऑफ द बिजनेस से अजम्पशन लेनी है, ताकि ये ईपीएस कंपेरेबल रहे, ये ईपीएस अदरवाइज कंपेरेबल ही नहीं है। देखो ना इसको देखता हूं विदाउट बोनस इशू, पिछले सालों में बोनस इशू नहीं लेता तो एक रुपए ईपीएस है, और आज नजर आ रही है 0.5, तो लगता है आधी रह गई है, लेकिन रियलिटी में वाकई में कंपनी ने डबल कमाया है, तो वाकई में कंपनी ने डबल कमाया तो शुड बी डबल। सर समझ सो आ रही है सर, तो फिर क्या करें सर, फाइनल करें आप। सो फाइनल ये है मेरे बच्चों कि आपने पिछली ईपीएस को कंसीडर नहीं किया करना जब बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर हो, आपने पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करना है, चेंज करना है, और ये किस चीज के साथ चेंज करना है, बोनस इशू जो इस साल हुआ उसके साथ, ताकि आपकी जो ईपीएस है कंपेरेबल रहे। सो मैं ये कंपेरेबल है, सो दिस इज समथिंग जो कि एक्चुअली कंपेरेबल है, ये है कंपेरेबल, 0.25 को आप 0.5 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सो दिस इज कंपेरेबल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हेलो भाई क्या करना है बोनस इशू के बारे में, आप कहेंगे यार बोनस इशू के बारे में ज्यूम करना पड़ेगा कि फ्रॉम द प्रीवियस ईयर है, ताकि ईपीएस कंपेरेबल रहे। सो दिस इज व्हाट ये पूरी की पूरी डिस्कशन से जो हमने सीखा है। ओके सर समझ तो आई है थोड़ी सी, जरा आगे चले ना, आगे जरा समझाए ना हमें, तो आगे सर आपको और समझा देते हैं। ये देखें जरा बोनस इशू में उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसने, उसने लिखा हुआ है बोनस इशू के बारे में कि फॉर कंपेरेबल ईपीएस, फॉर कंपेरेबल ईपीएस। आप इस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकते, कंपेरेबल ईपीएस पिछले साल से कंपेयर करके तो पता चलना है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया बुरा, कंपनी ने ज्यादा अच्छा किया ज्यादा बुरा किया। सर समझ तो आ रही है सर, तो सर फॉर कंपेरेबल ईपीएस व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू अज्यूम, यू नीड टू अज्यूम, अज्यूम बोनस इशू इज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ बिजनेस अर्लीएस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। सो अज्यूम बोनस इशू इज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, शुरू से सोच लो, या फिर जितने पीरियड की कैलकुलेशन कर रहे हो, अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड का मतलब है कि अगर क्वेश्चन 2020 का है और उन्होंने मुझे कंपैरेटिव ईयर यानी पिछला साल भी मांगा हुआ है, 2019 भी मांगा हुआ है, तो इस साल के बोनस इशू के बारे में आई अज्यूम कि इस साल भी है और पिछले साल भी था। अगर उन्होंने मुझे कहा 2018 की कैलकुलेशन भी दो क्वेश्चन में, हो सकता है ना तीन साल की कैलकुलेशन करा रहे हो, तो 2020 वाला बोनस इशू अज्यूम किया जाएगा कि 2019 में भी था और 2018 में भी था, तो पिछले सालों की ईपीएस में भी ये बोनस इशू आपने एडजस्ट करना है। ओके सर, नहीं करेंगे तो ईपीएस खैर खराब आएगी, लोगों को दिखाएंगे आप कि हालात खराब हैं, बट इन रियलिटी हालात ठीक होंगे। ओके सर, अब एडजस्ट कैसे करना है सर, चलें जल्दी से समझा दें। सर बोनस इशू को एडजस्ट करने का बड़ा आसान सा दो तरीके हैं, हम कौन सा फॉलो करेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो इजी है हम वही फॉलो करेंगे, तो अब जरा और करना कैसे एडजस्ट करना है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 है, बोनस इशू 1/10 है, और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू रिक्वायर्ड है। अब वो ये भाईजान क्वेश्चन बना के बैठ गए, तो हमने कहा बड़ा आसान सा काम है, 30,000 साल के शुरू में नंबर ऑफ शेयर्स थे, ये बीडी है हमारे ओपनिंग है, ये बिफोर बोनस इशू है, ये ओपनिंग बैलेंस है। सर बोनस इशू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 30,000, आपने कहा 1/10, तो आप क्या करें 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये लें
30,000 इंटू 1/10 करेंगे तो हमने फ्री में जो शेयर्स दिए हैं वो 3,000 है सर। जब हमने फ्री में शेयर्स 3,000 दिए हैं तो टोटल कितने हो गए 33,000। तो ये लें जी, बोनस इशू के बाद जो शेयर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट थी उसकी, वो 33,000 है। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली एडजस्ट बोनस इशू। कैसे? 30,000 में 1/10 करते हैं, अगर 2/5 होता तो 2/5 कर लेते, तो बोनस इशू एडजस्ट करके ऐड कर लेते हैं। ओके सर, व्हाट इज नेक्स्ट? दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस है भाइयों, यू हैव ओपनिंग बैलेंस। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 30,000। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस, फेयर इनफ। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 30,000 तो आगे क्या करें सर? सर बड़ा आसान सा काम है, बोनस इशू एडजस्ट करें। कैसे सर? बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, यूज ऑफ बोनस फ्रैक्शन। सर क्या मतलब? सर बड़ा आसान है सर, 1/10 का मतलब समझे, बोनस फ्रैक्शन समझे। जिसके पास 10 थे, जिसके पास 10 शेयर्स थे, उसको आपने एक शेयर और दे दिया। जिसके पास 10 शेयर्स थे, आपने एक शेयर और दे दिया है, तो उसके पास कितने हो गए? 11। 10 में एक ऐड करा दिया, 11 हो गए। तो मल्टीप्लाई बाय करें 11/10, तो 11 कर दिए। जिसके पास 10 थे, मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली 33,000 आ जाएगा। तो सीखा क्या? बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना बोनस इशू को ऐड करना ही है। ये सीखा है? बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो बोनस इशू ऐड हो जाता है खुद ब खुद ही। तो ऐड करना ही बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है सर। फेयर इनफ, समझ आ रही है सर? आगे बढ़े सर, व्हाट इज नेक्स्ट? कितनी बात तो समझ आ रही है सर? सर अगली बात क्या है सर? सर समझा देते हैं अगली बात क्या है जी। क्या है सर अगली बात, प्लीज बताएं सर। अगली बात है के बोनस फ्रैक्शन की एग्जांपलें समझाएं सर। तो बड़ा आसान है, 1/5 मतलब 6/5, 2/5 मतलब 7/5, 2/10 मतलब 10 थे, 2 और दिए, 12 हो गए, 12/10, 1/4 तो 5/4। तो ये फॉर्मूला भी लिख दिया हमने आपकी खातिर, ये लें। नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग आफ्टर द बोनस इशू, यानी कितने शेयर्स उनके पास आफ्टर बोनस इशू हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर द राइट इशू। तो ये 1/5 का मतलब क्या है? 5 उनके पास पहले हैं और हम उन्हें 6 कर देंगे उनके पास होल्डिंग, 6 की हो जाएगी, एक जब और दे देंगे। दैट्स हाउ वी नीड टू कैलकुलेट बोनस फ्रैक्शन। ओके सर फाइन, अब मुझे बताएं कि एडजस्ट कैसे करना है। सर बता दें सर एडजस्ट कैसे करना है। सर अभी बताने लगे हैं एडजस्ट कैसे करना है। सर ये वाली बात जरा खुद से पढ़ लें। वो क्या कह रहा है? कह रहा है बोनस इशू ऑफ शेयर्स ऑल्सो कॉल्ड स्क्रिप इशू, कैपिटलाइजेशन इशू, दीज आर द अदर नेम्स ऑफ दीज शेयर्स। सर वो कभी बोलेगा बोनस इशू कर दिया हमने, कभी कहेगा स्क्रिप इशू कर दिया, कभी कहेगा कैपिटलाइजेशन इशू कर दिया। ये सारे एक ही चीज के 2-3-4 नाम। ओके सर, नो कैश इज रेज्ड फ्रॉम द बोनस इशू एंड देयर इज नो अर्निंग बूस्ट फ्रॉम द इशू। ये बात समझ आ रही है सर? जब पैसा आता है ना कंपनी में, उस पैसे से कुछ ना कुछ लेन देन होता है, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ कमाई लेते हो। तो आप पैसा, कंपनी के पास जब पैसा आता है तो कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है, ये सोचें। ओके सर, सोच लिया, होता है इन्वेस्ट, मान लिया। आगे चलें सर। सर अगली बात सुने फिर। सर अगली बात क्या है सर? अगली बात यह है कि पैसा तो आया नहीं बोनस इशू में, बोनस इशू में तो नहीं आया, तो अर्निंग्स बूस्ट नहीं हुई, लेकिन खाम खा नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो गए हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ईपीएस आपकी खराब हो जाएगी। सो बोनस इशू शेयर्स आर ट्रीटेड एज इफ दे हैव ऑलवेज बीन इन इशू, इफ दे हैव ऑलवेज बीन इन इशू, यानी जैसे शुरू से ही इन इशू थे, इवन इन कंपैरेटिव इयर्स, प्रीवियस इयर्स, कंपैरेटिव इयर्स में भी, प्रीवियस इयर्स में भी थे, जैसे हम ऊपर सीख के हैं। द इंपैक्ट कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग बोनस फ्रैक्शन टू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑलरेडी इन इशू। वो कह रहा है कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली ये वाला इंपैक्ट आप ले लेंगे, जैसे मैं अभी सिखा क्या। तो ये मैंने कुछ लाइन सिखानी थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने दोबारा हाईलाइट की।